अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना, मेरा मास्टर रूल ए डी एन एल, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो पेपर शटर दिमाग लगा रहा है उसी पे दिमाग लगाना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग फॉर जैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको याद हो जैट के कन्वीनर साहब, आई नो पिछले 10 साल के कन्वीनर साहब, आपको मिलवाया भी था उनसे एंड आई हैड अ डिस्कशन विद हिम एज वेल। ये जैट के कन्वीनर साहब हैं, ठीक है, ये यूट्यूब वीडियो पे भी आए हुए हैं। ये दे आर सो प्राउड ऑफ द डिसीजन मेकिंग, दे वांट टू टेक स्टूडेंट्स लेफ्ट एंड राइट। ऐसा है नहीं कि भाई डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा नंबर आ गए, बट ये ऐसी चीज़, ज़्यादा नंबर आ गए तो आपका एक्सेलरेट पक्का है, पर कट ऑफ रहता है कुछ 6 नंबर का, पर इतना स्कोरिंग है। आई नो पीपल लाइक स्कोरिंग लेफ्ट एंड राइट इन डिसीजन मेकिंग, और तुम मेरे पढ़ाए बच्चे फाड़ के आएंगे अपन। गुरुनाथन सर 3 साल जैट के कन्वीनर, मुनीश सर नियरली 3 से 4 साल, बल्लभ सर 3 से 4 साल। ये 10 साल के कन्वीनर साहब के साथ मैं मिल चुका हूँ खुद पर्सनली, समझ आ रही है। और जो लोग एनमैट स्नैप नैप दे रहे हो, सीमैट वीमैट दे रहे हो, जो मैं बातें करने वाला हूँ ये बड़ी हेल्पफुल होंगी सारी की सारी। ये डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं अभी। लेट्स बिगिन बॉयज एंड गर्ल्स, इधर उधर के प्लीज सवाल जवाब बंद रखना, रिक्वेस्ट है मेरी, और पेन और पेंसिल लेके बैठो। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। वी गो जंप ऑन टू द एक्चुअल जैट क्वेश्चंस, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ आरसी लेके बैठना, रियल लाइफ लेसन्स हैच ऑफ सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, पढ़ाई तो सब कराते हैं यूट्यूब पर, बड़े पर हैं आप इंसान भी, यू आर ओनली टीचिंग मेकिंग अस लीडर्स, आई हैव नो वर्ड्स एंड रियली मैच योर टू गॉड। हे थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। कौन है भाई तू स्पर्श, थैंक यू सो मच, चलो आ जाओ भाई। ओके पहले स्टार्टिंग में इसको आरसी लेवल पे सॉल्व करेंगे, जिन लोगों ने किया हुआ है मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन तुमने किया, एक्चुअल जैट क्वेश्चन है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले काम क्या करना है बॉयज एंड गर्ल्स, ऑगस्टिन मैया का कुछ तो डिसीजन मेकिंग टाइप वन है, या डिसीजन मेकिंग के अंदर सेट आते हैं, अभी एक एक सवाल भी आते हैं सेट भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट कैन बी एज्यूम्ड द मेन रीजन फॉर द करंट ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स टू रिमेन इनएडिक्वेट इज वॉट। आरसी लग रहा है ना, इट कैन बी एज्यूम्ड द मेन रीजन फॉर द करंट ह्यूमन, द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द फेमिन, फेमिन मतलब भूखमरी है ना, अकाल पड़ गया है, तो वाइड स्प्रेड नेचर मेन रीजन बताना है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, अच्छा गवर्नमेंट वगैरह के मैकेनिज्म हिले पड़े हैं, अच्छा मतलब फेमिन हुआ है सोमालिया में, ये मेरे को थ्योरी समझ आ रही। द डिफिकल्टी दैट एड एजेंसीज आर फेसिंग, अच्छा एड एजेंसीज को कुछ डिफिकल्टीज हो रही है इन एक्सेसिंग एंड प्रोवाइडिंग द एड, फंड वंड नहीं दे पा रहे वहाँ पे, अच्छा ये भी हो सकता है। इनएबिलिटी ऑफ द एड एजेंसीज टू प्रोवाइड फंड्स, पैसे नहीं उनके पास। लैकाडेसिकल की इंपॉर्टेंट मार्क करो, लैकाडेसिकल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बुरे हाल है, लस्सी है। तो यार बी और ई दोनों सिमिलर लग रहे हैं मुझे, तो दोनों ही कचरा लग रहे हैं ये, पर हो सकता है रीज़न, है ना भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और रट्टा मारना है आरसी की तरह सॉल्व करना है, बट जब दिमाग हम लगाएंगे तब आरसी का दिमाग नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द एक्शंस दैट द यूएन शुड फॉलो टू रिजॉल्व द सिचुएशन। यार यूएन को क्या करना चाहिए रिजॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट शॉर्ट टर्म इमरजेंसी, अच्छा कोई भी शॉर्ट टर्म काम होगा, डिपेंड करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हो, पर नंबर लाइन के इधर ही आएगा। पैराजंबल करना है भाई, हर यू गाइस, पैराजंबल करना है, पहले क्या करेंगे अपन, मीडिएशन अमंग द गवर्नमेंट एड एजेंसीज एंड द इंसर्जेंट सो दैट द एड कैन बी सेंट। मीडिएशन करो एड, इंसर्जेंट क्या है भाई, इंसर्जेंट तो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। रिवर्सल ऑफ द ड्रामेटिक डिक्लाइन इन पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च, ओ भाई बड़ी दूर चला गया यार ये तो। वर्किंग विद द रूरल कम्युनिटीज टू डेवलप न्यू लेबर सेविंग एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स, रूरल कम्युनिटी के साथ काम करो। ऑप्शन दी हुई हैं, उसने बोला है बेस्ट ऑर्डर ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे तो बिना पढ़े आंसर दिखना शुरू हो गया, पर हम जैट की तैयारी कर रहे हैं। 3 नंबर अगर आपके क्लीन हो गए ना यहाँ पे, आपकी आधी सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो गई, 6 नंबर 7 नंबर होती है जैट की कट ऑफ। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वाइल प्लानिंग एन एडिक्वेट रिस्पॉन्स शीट, बहुत सेक्सी क्वेश्चन है यार ये, यार एडिक्वेट रिस्पॉन्स शीट कैसे प्लान करनी है। नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय फेमिन, नंबर ऑफ पीपल प्रोजेक्टेड टू सफर फ्रॉम द फेमिन, नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड कितने हैं और प्रोजेक्टेड टू सफर दूर के, ड्यूरेशन कितने साल तक चलेगा फेमिन, हाँ अमाउंट ऑफ एड कितना पैसा भी दे रहे हैं, ब्रिलियंट। देवेंद्र गलत जवाब है, अभी जवाब मत दो बेटा, आराम से घाई नहीं करनी, 3 के 3 नंबर थापने अपने को। चलो भैया आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रीड द आंसर, रीड द पैसेज,
और उसको पढ़ेंगे और किल करेंगे। चलो 2 मिनट का टाइम ले लो, आज क्लास थोड़ा सा 5 मिनट एक्सटेंड होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन कम ऑन, गिव इट टू मी फटाफट। चलिए भाई डन है, कर लिया भाई, चलिए भाई डन है, कर लिया। कुछ था ही नहीं इसमें यार, कुछ था ही नहीं, है ना। अब जिसने ध्यान से पढ़ा, कई लोग सी बोले, कई लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आराम से सॉल्व करते हैं। कई लोग बी बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो भाई फुल कंसंट्रेशन बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, आई रीड लाइन बाई लाइन फॉर यू। एक समझाना है मुझे, फिर आगे डैशबोर्ड पर सब कुछ पढ़ा हुआ है, डैशबोर्ड पर जितने वीडियो हैं मैं एंड में दिखाता हूँ, सारे के सारे सॉल्व करने हैं। सुनो भाई, ऑगस्टिन मैया द UN रिप्रेजेंटेटिव फॉर द सोमालिया इज़ अ ट्रबल्ड मैन। भाई UN का रेप है, ऑगस्टिन साहब है हमारे, बहुत ही ट्रबल्ड मैन है। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड अनदर 3 रीजन इन सोमालिया इन फेमिन। यार अकाल पड़ा हुआ है, 3 रीजन हो चुके हैं। ऑगस्टिन इज अवेयर दैट द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस हैज बीन इनएडिक्वेट। भाई इनएडिक्वेट है ये सब, और प्रिवेलेंस होगा एक्यूट माल न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन समझते हैं आप लोग, है ना, न्यूट्रिशन कम हो गया, और रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी, लोग मर भी रहे हैं भाई, देव सरपास द फेमिन के थ्रेशोल्ड्स। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द फेमिन इज डिफाइंड व्हेन द एक्यूट माल न्यूट्रिशन एक्सीड्स 30%। 30% लोग अगर हो जाएं तो भाई माल न्यूट्रिशन हो जाता है, अनाउंस कर देते हैं फेमिन के लिए। एंड व्हेन द डेथ रेट एक्सीड 2 per 10,000, यहाँ पे ना 2 ध्यान से देखना, मैंने पहली बार पढ़ा था, मैंने 10,000 डे पढ़ा, 10,000 डे डेथ मतलब वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। ये 2 देखो उसने पर्पसली ऐसे दिया हुआ है। जैट के अंदर नंबर्स पे ध्यान देना है, इस क्वेश्चन के अंदर इतना वैलिड नहीं है पर पता होना चाहिए। UN फॉर्म्स फूड आर्म FAO सेड फेमिन इज लाइकली टू स्प्रेड अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ द सोमालिया साउथ इन द नेक्स्ट 4 to 6 weeks। भाई आग लगी पड़ी है, 4 to 6 weeks है, ध्यान से, मतलब 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आग लग जानी है। विद द फेमिन कंडीशन लाइकली टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 5 months, उसके बाद 5 महीने तो जाना ही जाना है, कंडीशन तो ऐसी रहने वाली है। अ ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ सदर्न सोमालिया। अब जिनको मेरे रूल्स याद हैं, जनरल टू स्पेसिफिक आ रहे हैं हम लोग, फनल्ड अप्रोच में आ रहे हैं, सोमालिया से स्टार्ट किया था और सदर्न सोमालिया पे आ चुके हैं। एड एफर्ट्स हैव बीन हैम्पर्ड इन द साउथ एज द एलिमेंट्स ऑफ अल शबाब द इस्लामिस्ट इंसर्जेंट्स, ओ भैया टेररिस्ट आ गए हमारे यहाँ पे, वह पड़े हुए, दे हैव रिफ्यूज्ड एक्सेस टू द वेस्टर्न रिलीफ एजेंसीज, तुम जा ही नहीं सकते यहाँ पे। थ्रू आउट सोमालिया 3.7 मिलियन पीपल आर इन क्राइसिस, ये नंबर्स देखिए, 3.7 मिलियन क्राइसिस में है। 3.2 मिलियन आर इन नीड ऑफ इमीडिएट, आग लगी पड़ी है, लाइफ सेविंग असिस्टेंस, एंड 2.8 मिलियन तो जो साउथ में ही है उसमें अंदर से, 2.8 मिलियन तो साउथ में, और साउथ में बेड़ा गर्क होने वाला है। लास्ट पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रीजनिंग, द UN फेमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क सेट दैट द करंट ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स रिमेन्स इनएडिक्वेट। इन्होंने भी बोल दिया भाई इनएडिक्वेट है, जो भी हम कर रहे हैं बुरे हाल है। ड्यू इन द पार्ट टू द ऑन गोइंग एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस एंड डिफिकल्टी इन स्केलिंग अप इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम। तो मेन मुद्दा क्या है, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस एज वेल एज द फंडिंग गैप, पैसे की भी कमी है ब्रो, फंडिंग गैप है, होल्ड ऑन, पक्का नहीं पता पैसे की कमी है कि नहीं, पर कुछ तो गैप है, यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, एक्सेट्रा चाहिए, कुछ तो गैप है वहाँ पे, आगे लग रहा है कमी, गैप का मतलब कमी होगा। ऑगस्टिन अपील टू ऑल द सोमालीज, ऑगस्टिन साहब हमारे UN के स्पेशलिस्ट, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री टू वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द पीस प्रोसेस एंड एलिवेट, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एलिवेट वर्ड दिखेगा आपको एनमैट सीमैट स्नैप के अंदर, एलिवेट कम करना, अच्छा करना, सूद करना, एलिवेट लेसन करना, एलिवेट द प्लाइट ऑफ दोज सफरिंग फ्रॉम फेमिन। बहुत बढ़िया, पैसे समझ आ गया, क्विक 5 सेकंड चेक, आई गाइस नहीं समझ आ गया, हाँ या ना, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था, है ना भाई, सिंपल था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1, इट कैन बी अज्यूम दैट द मेन रीजन फॉर द करंट ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स इज टू रिमेन इनएडिक्वेट। भाई मेन रीजन बताना है, ऑप्शन नंबर 1, द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द फेमिन विद मोर रीजन बिंग एडेड रिसेंटली, ओके, बहुत ही जनरल, ए इज आउट, बहुत ही जनरल, ए इज आउट, बहुत सारे रीजन आ रहे हैं, मेन रीजन पूछा उसने, जनरल आंसर क्यों करोगे तुम, ये पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट 1, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, बी निकाल दो, कोई फायदा नहीं इसका, लैकडेसिकल गवर्नमेंट है नहीं, मैंने नहीं पता, बी एंड ई आर आउट, हाँ भाई बी एंड ई आर आउट, सर एलिवेट के सिनोनिम्स, एलिवेट, प्लेकेट, काम, कंपोज, मॉलीफाई, पेसिफाई, टेस्ट मत ले मेरा, हाँ शुरू हो जा रहा हूँ मैं फिर, ठीक है, ओके आ गया, तो और बहुत सारे हैं, हाँ भाई लैकडेसिकल एटीट्यूड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है भाई आगे चलते हैं, ये दोनों निकाल दें। सी देखिए बच्चों, the difficulty that aid agencies are facing in accessing providing to the fame, boys and girls, she सबसे बढ़िया लग रहा है, main मुद्दा है वहाँ पे बैठे हुए हमारे terrorist, but hold on, inability of the aid agencies to provide that funds, यार ये भी सही है, ये भी सही है, डी भी अच्छा है भाई, अच्छा by the way, डी क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि सी है, हाँ भाई डी क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि सी है, main मुद्दा क्या है, सी, D is an after effect of C. It's a good answer, but the correct answer is C for Calcutta. All good. आगे बढ़े, speed up. हाँ भाई आगे बढ़े,
बहुत बढ़िया, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन अभी वाले। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑर्डर ऑफ एक्शन दैट यूएन शुड फॉलो। यूएन को क्या क्या फॉलो करना चाहिए? इंटीग्रेट शॉर्ट, नंबर लाइन बना लो फटाफट, ये नंबर लाइन से करेंगे, पहले कौन से करना है? टिपिकल जैट क्वेश्चन। इंटीग्रेट द शॉर्ट टर्म इमरजेंसी प्रोग्राम विच इज द एक्शन बट स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ द फेमाइन ढूंढना है। यार पहले इफेक्ट पर देख लेते हैं, फिर कॉज भी देख लेंगे, है ना भाई? लड़ाई हो चुकी है, जंग छिड़ चुकी है, फैमिन आ चुका है, मलेरिया हो चुका है, डेंगू फैल चुका है, टिपिकल क्वेश्चंस हैं डिसीजन मेकिंग के, है ना भाई? पहली काम तो स्ट्रक्चरल कॉज देखेंगे, पर बाद में। मीडिएशन अमॉन द गवर्नमेंट एड एजेंसी एंड इंसर्जेंट, मेन मुद्दा क्या था? इंसर्जेंट था भाई, मेन मुद्दा इंसर्जेंट था, सो दैट द एड कैन बी, ये मेन मुद्दा था यार। टू से स्टार्ट करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, पक्का टू से स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ तक सबने देख लिया, टू भी बढ़िया हो गया। अब टू के बाद थ्री क्या है? रिवर्सल ऑफ द ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द पब्लिकली, एग्रीकल्चर रिसर्च के पास जाएंगे, दोबारा से पौधे उगाएंगे, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करेंगे। अरे भाई जब तक तू स्ट्रेंथन करेगा, नए एम्प्लॉय लाएगा, बड़ा देर की बात है, बहुत देर की बात है। तो नंबर लाइन में कहीं तो इधर है। आगे, वर्किंग विद रूरल कम्युनिटीज टू डेवलप न्यू लेबर सर्विस, बहुत बढ़िया। अब वर्किंग विद लेबर, अब देखो फेमिन आया, उसके बाद फटाफट हमें खुद का पौधे लगाने हैं। फोर भी अच्छा है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा रूरल कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए। बट डेफिनेटली थ्री के पहले करेंगे, हाँ या ना? थ्री के पहले फोर करेंगे, हाँ या ना? पक्का ना? 100%, बहुत बढ़िया। पहले रूरल कम्युनिटी का काम कर ले, लेबर सेविंग कर लेते हैं भाई, अपने पास जो भी नेचुरल रिसोर्स टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते हैं, फटाफट करना है अपने को, रिसर्च करना है। वन, इंटीग्रेट शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म काम पहले करने हैं। स्ट्रक्चरल कॉज ढूंढना थोड़ा जरूरी है, दोबारा ना आ जाए यार, दोबारा ना आ जाए। मेन कॉजेज क्या है? और कॉजेज में हमें ये भी पता चलेगा कि भाई हमारे कॉजेज मेन वही था ना कि यार हमारा वहाँ पे टेरिस थे, कॉजेज ये नहीं थे कि भाई बारिश नहीं पड़ी है, टेरिस नहीं देने थे, पर शायद अगर नहीं होते, क्योंकि देखो एक जगह फेमिन आता है तो दूसरी जगह वाले उसको सपोर्ट कर सकते हैं, पर अगर वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं जाने का मौका मिलेगा, तो ये वाली चीज़ें फंडिंग वहाँ पे खत्म होती जाएगी और बढ़ता जाएगा। क्विक 5 सेकंड चेक, लास्ट क्वेश्चन आता है भाई, आर यू गाइस रेडी? लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन, गिव इट टू मी, मेरा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है, लव डिसीजन मेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वाइल प्लानिंग एन एडिक्वेट रिस्पॉन्स। ये थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन था, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द फेमिन, नंबर जानना बहुत जरूरी है, मानते हो भाई नंबर जाना जरूरी है, यस और नो? नंबर जाना बहुत जरूरी है, ब्रिलियंट। द नंबर ऑफ पीपल प्रोजेक्टेड टू सफर फ्रॉम द फेमिन, यार प्रोजेक्शन, होल्ड ऑन, दूर का लग रहा है बट यहाँ पे उसने यहाँ पे टोपी पहननी है तुम्हें ऑगस्टिन माइगा की, और जानना है कि बेटा यहाँ देखो वो हर जगह फैलने वाला है, और 2 मिलियन पीपल है। नेक्स्ट 4 to 6 वीक के अंदर 2.8 मिलियन लोग और इफेक्ट हो सकते हैं, टू भी देखना जरूरी है, प्रोजेक्शन करना जरूरी है, बिकॉज एज ए सेड एक जगह पे फेमिन नहीं होता है, टू भी जरूरी है। आगे, ड्यूरेशन फॉर विच द प्रोजेक्ट इज टू लास्ट, यार ड्यूरेशन भी दूर का लग रहा है बट यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज आर भी लिखा हुआ है, ड्यूरेशन भी अच्छा लग रहा है फॉर श्योर, कितनी ड्यूरेशन चलने वाला है। सच्ची बताऊँ 1, 2, 3 मुझे तो 4 भी लग रहा है यार, मुझे तो 4 भी लग रहा है यार। द अमाउंट ऑफ एड बींग गिवन बाय द वेरियस एजेंसीज, हाँ भाई एड की जरूरत है। देखो हमें करना है एडिक्वेट एड रिस्पॉन्स, एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास पैसे आ चुके हैं, एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास पैसे आ चुके हैं। फोर वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे अभी प्लानिंग करनी है रिस्पॉन्स की, कैसे हम उन पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इसलिए 4 इज आउट, 1, 2 and 3। आर यू गाइस विद मी बॉयज एंड गर्ल्स? आर यू गाइस विद मी? तो जो बताया गया है उसी पे आपको आंसर मार्क करने, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना, मेरा मास्टर रूल ADNL, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो पेपर शटर दिमाग लगा रहा है उसी पे दिमाग लगाना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू गाइस एंजॉयड द शो टुडे, मजा आया कि तुम लोगों को भाई, मेरे को बड़ा के बड़ा मजा आया, दिस इज सो अमेजिंग, ओके ग्रेट, सेशन इज समथिंग रियली अमेजिंग, थैंक यू, सेशन समथिंग विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन ऑर्डर इन आवर एमबीए जर्नी, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स, गॉड मोड, बिल्कुल गॉड मोड तो क्या है यार। अच्छा एक काम करो, होमवर्क लिख लो भाई, यहाँ पे लर्न के अंदर जाओ, अपना जैट फोल्डर खोलो, जैट 2023 मॉक्स एंड वीडियोस, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, यू विल थैंक मी लेटर ऑन। यहाँ पे जैट के फुल लेंथ मॉक देने हैं, जैट के डिसीजन मेकिंग के अंदर हैं, और ये बैठ के एक्चुअल जैट वीडियोज हैं। सबसे पहले करना है मस्ट सॉल्व डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन 35+50, मजा नहीं लाइफ, नंबर वन। नंबर टू, ये करने के बाद सेकेंड काम तुम्हें करना है डिसीजन मेकिंग के सेक्शनल टेस्ट, ये बहुत ही एनमेट के अंदर आते हैं, हाँ स्नैप के अंदर भी थोड़ा एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, स्नैप के अंदर 11 नंबर की क्रिटिकल रीजनिंग आई है, जो मेरा फेवरेट है वो यहाँ पे जाओ, ये 5 घंटे की वर्कशॉप है, जैट 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 जैट, ये सारी बैठ के सॉल्व करो, तुम्हारा पक्का बेड़ा पार हो, ठीक है भाई, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है।
जैट का सेकंड बूट कैंप मोस्टली मैं मंडे को करूंगा. कीप वर्किंग हार्ड बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन. बॉयज एंड गर्ल्स, यू गाइस आर ऑसम, स्टे ग्लूड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, होप यू गाइस एंजॉय द शो. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, कीप किलिंग बॉयज एंड गर्ल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू गाइज. और बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू गाइस हैव एंजॉयड द शो, थैंक यू सो मच. और जिन लोगों को जैट का एक्सेस नहीं है, आप लोग भी जैट का एक्सेस ले सकते हो. नीचे आपको लिंक मिलेगा, चेक आउट द जैट कोर्सेज, जैट के मॉक्स, ये सब का लिंक आपके पास अवेलेबल है. अगर आप पढ़ना चाहते हो कैट किंग फैमिली के साथ, मोस्ट वेलकम, इसका आपको एक्सेस मिलेगा. नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग ले सकते हो. बट जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो पक्का करेगा. मस्ट सॉल्व डिसीजन मेकिंग के सवाल, ये पूरा एक सेक्शन है जिनका क्वांट वीक है, आप इसके अंदर नंबर ले सकते हो. कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, फाड़ के भी आ सकते हो. जैट की स्ट्रेटजी की वीडियोज हैं, जैट के एसेज भी हैं, सब कुछ यहाँ पे. लास्ट में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टाइप ऑफ वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, वो आपके पास मिलेंगे. थैंक यू सो मच. जो लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, जैट के मॉक्स पक्का लीजिएगा, इट्स गॉन बी रियली हेल्पफुल. गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच. पढ़िए पढ़िए पढ़िए, होप यू गाइस एंजॉय. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय.